हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों की पहली संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में हो रही जेसीसी बैठक में पेंशनरों के करीब 117 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने की मांग प्रमुखता से की गई। प्रदेश के पेंशनर पंजाब की तर्ज पर 5, 10 और 15% पेंशन वृद्धि 65, 17 और 75 साल में देने की मांग कर रहे थे। पेंशनरों ने फिक्स मेडिकल 400 से 1000 रुपये मांग की या फिर मेडिकल बिलों के आधार पर भुगतान करने की मांग की। बैठक में हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों के मेडिकल बिल भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जल्द ही पेंशनरों को सरकार से पहचान पत्र जारी होंगे। N1 Live की स्पेशल रिपोर्ट।